सब गोली चला के मार दिए, सब सबके फांसी दे दे, सबके फांसी दे दे, और खेत के फैसला दे दे, बाल बच्चा पांच गो कौची से कर भी हम। आप समझ ही सकते हैं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के बारे में, किसी ने अपने पिता को खोया है, कितना सजा मिले लोगों को, फांसी, फांसी पर, फांसी पर जाएगा तो आत्मा में संतुष्टि हो जाएगा। हाँ। कितने बच्चे हैं आपको? पांच लड़की है, जो तीन साल से कैसे कैसे बाल बच्चा पाल ही दुख तकलीफ से, कोई करके दे वाला ना, कानून से दो रुपया जो। तीन गो भैंसुर, दो गो जौत मर गई, पांच गो मर गई। हम चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा पड़े, फांसी का सजा हो। हाँ। आप समझ ही सकते हैं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के बारे में, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है। क्या नाम हुआ बेटा तुम्हारा? अंचल कुमार। अंचल कुमारी, तुम्हारे पापा की भी हत्या हुई थी? बोले ना। क्या चाहती हो, क्या कहना चाहोगी, कितना सजा मिले लोगों को? 15। फांसी, फांसी पर, फांसी पर जाएगा तो आत्मा में संतुष्टि हो जाएगा। हाँ। कि जो हमारे पापा को मारा उसको भी फांसी मिल गया नहीं। हाँ। तो देख लीजिए, ये मासूम बेटियां हैं, इन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि इनके पिता कहाँ हैं, लेकिन लोग इन्हें बताते हैं कि आपके पिता की हत्या हो गई है। सामने में आप जिस विधवा महिला को देख रहे हैं, इनके भी पति की हत्या कर दी गई थी उसी घटना में। क्या नाम हुआ आपका दीदी? रिंकू देवी। आपके पति की भी उस दिन हत्या हुई थी? जी। क्या घटना हुआ था उस दिन रिंकू जी? सब लोग ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे, सर तय इन लोग गए था वहाँ, माना किए था, सब गोली चला के मार दिए सब। कितने बच्चे हैं आपको? पांच लड़की है। पांच लड़की जी। क्या चाहते हैं कि कितना सजा हो इन लोगों को? 15 को सजा, 15 को सजा, सबके फांसी दे दे, सबके फांसी दे। हाँ, जो 15 लोग दोषी हुए हैं सभी को फांसी हो। हाँ, सबके फांसी दे दे, और खेत के फैसला दे दे, बाल बच्चा पांच गो कौची से कर भी हम, कौची तीन साल से कैसे कैसे बाल बच्चा पाल ही दुख तकलीफ से, कोई करके दे वाला ना, कानून से दो रुपया जो। समझ सकते हैं इनके पति की हत्या कर दी गई थी, इस पूरे परिवार को देख लीजिए, इस मासूम बेटी के आंखों से आंसू आज भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता को खोया है। शायद तीन साल पहले ये अपने पापा को बढ़िया से पापा भी नहीं कह पाती होगी, उसी समय इसके पिता की हत्या इसके आंखों के सामने में कर दी गई थी। अब समझ लीजिए ये पूरे परिवार का दुख आज भी समाप्त नहीं हुआ है और ना कभी समाप्त होगा। भले ही न्यायालय और कानून के तहत कुछ भी सजा हो जाए, लेकिन इन्होंने अपने पूरे परिवार को खोया है और उन लोगों को भी सजा मिलना ही चाहिए। इधर आओ बाबू, क्या नाम हुआ आपका? मोनू कुमार। आपके भी किन्हीं की हत्या हुई? किन का? दादा का। आपके दादा का? काका का। और चाचा का? हाँ? देख लीजिए, इन इन ये लोग ना समझ है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, बावजूद उन दरिंदों ने इस पूरे परिवार पर कहर बरसाया और एक साथ 9 लोगों पर दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और उस जमीनी विवाद में, खूनी संघर्ष में लोग अपने रिश्ते को भी नहीं पहचान सके और शायद ये उनके ही अपने रिश्तेदार थे, अपने ही पट्टीदार थे, बावजूद उन लोगों ने इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और खुद तो बर्बाद हुए हैं। लेकिन कानूनी लड़ाई, इन लोगों को कानून पे विश्वास है, कानूनी लड़ाई के बाद, 3 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सभी 15 दोषियों को दोषी पाया गया है जो उसमें आरोपित थे, और उन आरोपियों पर क्या कुछ फैसला आएगा वो तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन ये तमाम परिवार के दिल पर ठंडक तब पहुंचेगी जब उन दोषियों को फांसी की सजा होगी। अब देखना यह है कि आखिर न्यायालय किस मुकाम पर पहुंचती है, क्या फैसला देती है। लेकिन इन परिवार का कहना है कि उन लोगों को अगर फांसी होता है जो इसमें दोषी है, तो शायद इस परिवार को कुछ ठंडक मिलेगा, क्योंकि इन्होंने भी अपने परिवार को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, और शायद उस मंजर को याद करके अपने आप को आप भी नहीं रोक पाइएगा, क्योंकि वो तस्वीरें आज भी जनादेश न्यूज नेटवर्क के चैनल पे है, जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं। तारीख था 4 अगस्त 2021 का दिन, शायद दोपहर का 1:30 से 2 बजे का टाइम था, हम लोग बिहार शरीफ में थे और उसी दौरान हम लोगों को फोन पे सूचना मिलती है कि
नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में अंधाधुंध फायरिंग हुई है और 10 लोगों की हत्या हुई है, ऐसा कुछ सूचना हम लोगों को मिलता है। जब घटनास्थल पर हम लोग पहुंचते हैं तो रास्ते में डेडबॉडी पड़ी हुई थी, घर के पास डेडबॉडी पड़ी हुई थी और हम लोग सेटिस्फाइड हुए कि नहीं, 5 लोगों की हत्या हुई है जबकि 4 लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं। टोटल 9 लोगों को गोली लगी थी, 5 लोगों की हत्या हुई थी। एक बार फिर से इन परिवार वालों से हम बातचीत करेंगे। इधर आइए दीदी, क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। आपके भी कोई इस घटना में? जी हाँ। कौन थे? मेरा पिताजी। अच्छा। मेरा मतलब कि पति जी के गोली लगा था। हाँ। जख्मी हुए? हाँ, 3 गो भैंसुर, 2 गो जाओ मर गई, 5 गो मर गई। 5 गो एक्सपायर किए थे? हाँ। और 4 लोग जख्मी हुए थे? 4 गो जख्म। क्या हुआ था उस दिन दीदी? गोली चला था। गोली चला था? हाँ, पूरा एकदम पूरा घूम गोली चले लगे। अच्छा, क्या आप लोग चाहते हैं? कोर्ट से इधर आइए, क्या चाहते हैं? कल तो सभी लोग दोषी हो गए हैं, 15 लोग इसमें दोषी हुए हैं, जानते हैं ना? हम चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा पड़े। फांसी का सजा हो? हाँ। फांसी का सजा होगा तब दिल पे ठंडक आएगा। हाँ, हमको दिल संतुष्टि मिलेगा कि भाई अब हम लोगों को जीत मिला। हाँ, हाँ, हाँ। तो फांसी का सजा मांग करते हैं आप? हाँ, फांसी की अति मांग। क्या क्या चाहती हो बाबू? फांसी। फांसी चाहती हो? जो आरोपी है आपके पापा की हत्या हुई थी। हाँ। क्या चाहती हो? इधर आओ बाबू, क्या चाहती हो? फांसी की सजा। फांसी की सजा चाहती हो? इधर आओ, क्या चाहते हैं आप लोग? फांसी की सजा। फांसी चाहते हैं? टोटल को? टोटल को 15 की। 15 लोग जो हैं सभी को? हाँ। क्या चाहते हैं चाची? हम फांसी चाहिए, आओ सबके फांसी होना चाहिए। फांसी हो जाएगा तो आप लोग का आत्मा स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। की हत्या हुआ था उस दिन? 5 लोग के। 5 लोग के। और गोली कितना को लगा था? 4 गो के। 4 गो जख्मी हुए थे। हाँ, सबके ऐसे गिरा दिल को, मार मार के अथी कर दिल को। हाँ? इतना बेपर्दा से गोली मरल को, कोई को दांत मुंह का सब झाड़ दिल का अथी कर दिल का। हमारे तो अपने विपद ने 50 साल दी ऐसी भूखल पड़ल रहा ही, बाल बच्चा ले गए। जोड़ लीजिए, इस परिवार का पूरा दाने दाने को मोहताज है, समझ लीजिए। अब दादा हैं, आज भी जिंदा लाश बन करके बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपने आंखों के सामने में अपने पूरे परिवार को बर्बाद होते हुए देखा है और साथ ही साथ इनको भी गोली लगी थी। पैर में गोली लगा था चाचा? हाँ, यहाँ पे गोली लगा था। नहीं, क्या चाहते हैं अंतिम बार बता दीजिए आप लोग? अब क्या हम चाहे होती बुआ? हम तो फांसी हो जाए। अच्छा, फांसी हो जाए, संतोष हो जाए। 17 लोग को नामजद अभियुक्त बनाए थे आप लोग? हाँ, 17 लोग। नाबालिग है, 2 नाबालिग है। उसको चाहते हैं कि वो के पार जाए फांसी। तो देख लीजिए, ये पूरे पीड़ित परिवार हैं। अब देखना यह है कि न्यायालय 8 तारीख को किस नतीजे पर पहुंचती है। बाकी तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। 8 तारीख को भी हम वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर उन दोषियों के साथ क्या हुआ, क्या सजा दिया गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा क्योंकि जो लोग कानून से ऊपर उठ करके चलते हैं उन लोगों का यही हश्र होता है, जिस प्रकार से इस पूरे परिवार को बर्बाद करने वालों के साथ हुआ है। बाकी आप लोग इन परिवार के साथ क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।